ये देखिए, आ गया ना मुंह में पानी। इसका स्वाद ऐसा, आपको कुछ याद रहे न रहे, पर इसका स्वाद हमेशा याद रहेगा। मैं हूँ स्वाति चांडक, लजीज खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ तो फ्रेंड्स, लजीज खजाना की नई नई रेसिपी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि नई नई रेसिपी आपको सबसे पहले मिल सके। गोलगप्पा चाट के लिए आलू व काले चने को उबाल लिया है व आलू को छील के तैयार कर लिया है। सबसे पहले आलू को मैश करेंगे। आलू मैश हो गया है, अब इसमें काले चने ऐड करके उसको भी अच्छे से मैश करेंगे। मैश किए हुए आलू में हम डालेंगे नमक, चाट मसाला, लाल मिर्ची, कटी हरी मिर्ची और धनिया। मैश किए हुए आलू चने में स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्ची ऐड करेंगे और चाट है तो चाट मसाला तो ऐड करेंगे, उससे स्वाद बढ़ेगा। कटी हरी मिर्ची व हरा धनिया ऐड करके अच्छे से मिला देंगे। चटपटा गोलगप्पे में फील करने वाला बेस तैयार है। अब हम गोलगप्पे में चम्मच की सहायता से बीच में होल करेंगे। सभी में होल कर दिया है, अब इसमें आलू का मसाला फिल करेंगे। सभी में प्याज व टमाटर ऐड करेंगे। धनिया और पुदीने की चटनी बनाई है और इमली की चटनी बनाई है जो इसमें ऐड करेंगे। सभी में थोड़ी थोड़ी ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। सभी में थोड़ी थोड़ी इमली की चटनी ऐड करेंगे। अब इसमें दही ऐड करेंगे। सब में थोड़ी थोड़ी अनार डाल देंगे। ऊपर से इसमें नमक, मिर्ची, चाट मसाला ऐड करेंगे। और बारीक वाली नमकीन ऐड करेंगे। कटा हरा धनिया डालेंगे। हमारी गोलगप्पा चाट बनके तैयार है। हाँ तो फ्रेंड्स, हमारी गोलगप्पा चाट आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।